गाय के लिए लड़े, 100 के 100 छोकरे को मार दिया विश्वामित्र ने। रामायण पढ़िएगा साहब, भागवत पढ़िएगा, ये जो कथा है वो शास्त्रों में लिखी है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो पढ़ी इसलिए बोलता हूँ, मैंने सुना इसलिए कह रहा हूँ। विश्वामित्र ने 100 छोकरे को मार दिया और वशिष्ठ को बेहोश करके गाय को ले गए। फिर गाय ने सांप दे दिया, विश्वामित्र का खानदान खत्म हो गया, कोई नहीं रहा। आखिर में बाबा बनना पड़ा उसको, और भीख मांगनी पड़ी दशरथ के पास कि मैं गाय के लिए आया हूं, अब मुझे पता चला गाय क्या है। रामायण पढ़ो। और परशुराम ने देखा अपने बाप का धड़ अलग हो गया, माँ रोती है, भाई सब मारे गए। परशुराम ने कहा माँ क्या हुआ? बोले कोई राजा आया था, तेरे बाप ने गाय को दोकर दूधपाक से सबकी सेवा की, भोजन करवाया, और वो राजा ने कहा ये मुझे गाय दे दो, तेरे बाप ने नहीं दी। तेरा बाप गाय बचाने गया तो उसका माथा काट दिया, तेरे सात भाई गाय बचाने के उसको मार डाला। तब परशुराम ने हाथ में जल लिया कि जिसने भी मेरी माँ गाय को दुख दिया है, जो गाय को घिसट के ले गया है, मार के ले गया है, गाय को मारते मारते वो राजा ले गया था, मैं उसके वंश में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और उसको जो साथ देगा उसको भी मार डालूंगा। और परशुराम ने 21 बार सबका नरसंहार कर दिया, बच्चे तक नहीं छोड़े। क्यों? कि उसके सब उसको सब साथ दिया, जिसने गाय के लिए ब्राह्मण